Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम साल 2016 के बाद फिल्म परमाणु से पर्दे पर नजर आए। फिल्म में जॉन के साथ डायना पेंची नजर आ रही हैं। जॉन की फिल्म परमाणु आज यानी शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म काफी लंबे समय से चर्चा में है। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिल्म के गाने भी लोगों को खास पसंद नहीं आए। फिल्म को लेकर मिल रहे रिस्पॉन्स के बाद ट्रेड पंडितों ने परमाणु के कलेक्शन का आंकलन किया है। ट्रेड एनालिस्टों का कहना है कि फिल्म पहले दिन 4 से 5 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म हार्डकोर कमर्शियल की श्रेणी में नहीं आती, ऐसे में फिल्म को साउथ पब्लिसिटी की भी जरूरत पड़ने वाली है। खास बात यह है कि इस हफ्ते फिल्म अकेले थिएटर पर रिलीज हो रही है, इसलिए फिल्म से अच्छे कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले कुछ विवाद भी सामने आए थे। जॉन अब्राहम और प्रेरणा अरोड़ा के क्रिएट्स एंटरटेनमेंट के बीच झगड़ों की खबरों के चलते फिल्म काफी सुर्खियों में रही थी, लेकिन बाद में झगड़ा सुलझ गया और फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि परमाणु को अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और डायना पेंटी समेत बोमन ईरानी भी मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। फिल्म 1998 के पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण पर आधारित है। ये सब्जेक्ट इतना रोमांचकारी है, उतना ही जोखिम भरा भी है।